हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस ग्रामर। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। ए ग्रामर जी इज एम्बिगुअस इफ देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल जी, इफ देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल जी सच दैट डब्ल्यू हैज ग्रेटर देन वन पार्स टी और सिंटेक्स ट्री और डेरिवेशन ट्री और एलएमडी और आरएमडी। एलएमडी इज अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, आरएमडी इज अ राइट मोस्ट डेरिवेशन। सो देखिए, कोई ग्रामर एम्बिगुअस कब कहा जाएगा, जब उस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में अगर एक भी सेंटेंस ऐसा है कि जिस सेंटेंस के लिए एक से ज्यादा पार्स ट्री या सिंटेक्स ट्री या डेरिवेशन ट्री या मोर देन वन एलएमडी या मोर देन वन आरएमडी एग्जिस्ट करें, तो वो ग्रामर क्या होगा, एम्बिगुअस ग्रामर। देखिएगा, पार्स ट्री, सिंटेक्स ट्री और डेरिवेशन ट्री, व्हाट इज पार्स ट्री? पार्स ट्री इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन प्रोसेस। पार्स ट्री, सिंटेक्स ट्री और डेरिवेशन ट्री आइदर यूजिंग टू एलएमडी और टू आरएमडी। देखिएगा, पार्स ट्री, सिंटेक्स ट्री और डेरिवेशन ट्री एक से ज्यादा पार्स ट्री हैं, या तो ये दोनों पार्स ट्री, मोर देन वन पार्स ट्री, या तो दोनों एलएमडी से बनने चाहिए या दोनों आरएमडी से बनना चाहिए। तो अगर इस तरह के पार्स ट्री हैं एक से ज्यादा जो दोनों एलएमडी प्रोसेस से या आरएमडी प्रोसेस से बने हैं, तो उसको क्या बोलेंगे ग्रामर को, एम्बिगुअस ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रामर लिखा हुआ है ई गिव्स ई प्लस ई ऑब्लिक ई स्टार ई ऑब्लिक आई डी, एंड इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ये लिखा हुआ है। देखिएगा, इस लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस ई इज ए स्टार्ट सिंबल, एक ही नॉन टर्मिनल है, यही स्टार्ट सिंबल होगा। ई से डायरेक्टली क्या मिला है, आईडी, और ई को ई प्लस ई में यहां आईडी को रिप्लेस कर दोगे, दिस इज आईडी प्लस आईडी, और यहां आईडी इंटू आईडी, ई को ई प्लस ई एंड देन इस ई को आईडी और इस ई को ई इंटू ई से एक्सपेंड किया, दिस इज आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। तो इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज है इसमें इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं और सारी सारी कैसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। तो ये सारी क्या है, सेंटेंसेस हैं, स्ट्रिंग हैं। अब ये ग्रामर एम्बिगुअस कब होगा, जब इस लैंग्वेज में अगर एक भी ऐसा सेंटेंस है, ऐसा सिंगल सेंटेंस जिसके लिए टू पार्स ट्री या टू एलएमडी या टू आरएमडी एग्जिस्ट करें, तो वो ग्रामर क्या होगा, एम्बिगुअस ग्रामर। सो चलिए देखते हैं, हम इसमें से एक स्ट्रिंग को ले लेते हैं, लेट डब्ल्यू और इस स्ट्रिंग के लिए देखिए हम पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग टू एलएमडी या टू आरएमडी। तो चलिए एलएमडी प्रोसेस से अप्लाई करते हैं, एलएमडी प्रोसेस, और इससे पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फर्स्ट एलएमडी, स्टार्ट सिंबल क्या है, ई, तो आप ई से स्टार्ट करेंगे, ई गिव्स, पहला मैंने ले लिया ई गिव्स ई प्लस ई, एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आपको यूज करना है, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में पहले लेफ्ट साइड वाला ई एक्सपेंड होगा, तो इस ई को किससे एक्सपेंड किया जाए जिससे ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, इस ई को मैंने आई डी से रिप्लेस कर दिया। नाउ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लेफ्ट से जो पहला वेरिएबल मिलेगा वो पहले एक्सपेंड होगा, अब ये टर्मिनल सिंबल से वेरिएबल क्या है, ई, नाउ इस ई को ई इंटू ई से एक्सपेंड किया, एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोसेस में इस ई को आई डी से रिप्लेस किया एंड इस ई को आई डी से रिप्लेस किया, इट इज आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। नेक्स्ट एल एम डी देखते हैं, अनदर एल एम डी प्रोसेस, इस बार मैं E को E इंटू ई से रिप्लेस कर देता हूं, एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, इट इज अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो लेफ्ट से जो पहला वेरिएबल मिलेगा वो पहले एक्सपेंड हुआ, सो इसको मैं एक्सपेंड करता हूं E प्लस ई से, एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोसेस, इस लेफ्ट वाले E को मैंने आई डी से रिप्लेस किया, एंड लेफ्ट फिर आई डी से रिप्लेस किया, इट इज आई डी। देखिए इससे भी क्या सेंटेंस बना, आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी।
इस सेम सेंटेंस के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा एलएमडी है या एक से ज़्यादा पार्स टी है, तो ये ग्रामर क्या है? हैंस दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस। सो प्रॉब्लम क्या है इससे, एम्बिगुअस से प्रॉब्लम? एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, देखिएगा, अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया है 2 + 3 × 4, सो 2 + 3 × 4 ये आपका सेंटेंस था W, इसको मैंने 2, 3 और इसको 4 से रिप्लेस कर दिया, तो नाउ ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2 + 3 × 4, एंड अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा? इसके अकॉर्डिंग जब ई को एवेल्युएट करेंगे तो पहले ये ई एवेल्युएट होगा, बिकॉज इस ई की वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इस प्लस के लिए, तो ये बॉटम से कैलकुलेट हुआ ID × ID, सो इस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ 3 × 4, ये क्या है आपका 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4, सो 3 × 4 कैलकुलेट हुआ और इसकी वैल्यू क्या है 12। नाउ इस ई की वैल्यू क्या होगी, 2, एंड फाइनली ये पहले कैलकुलेट हुआ और फिर 2 + 12 ये कैलकुलेट हुआ, इट इज़ 14, तो इस ई की वैल्यू क्या है 14। नाउ इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करता इसी बात को, तो इट इज 2, 3, तो अगर 2 + 3 × 4 को आप इवेल्युएट करते हैं तो पहले इस ई की वैल्यू कैलकुलेट होगी, सो इस ई की वैल्यू क्या होगी, 2 + 3, सो 2 + 3 = 5, नाउ इस ई की वैल्यू = 4, एंड नाउ इस ई की वैल्यू फाइनली इट इज 20। तो सेकेंड के करस्पॉन्डिंग 2 + 3 × 4 में पहले ये एवेल्युएट हुआ और फिर ये एवेल्युएट हुआ। अब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए, टू प्लस थ्री इंटू फोर का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस रूल और एसोसिएटिविटी रूल, तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, पहले 3 × 4 = 12, नाउ फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर इज 14, बट इस पार्सिटी का आंसर क्या है 20 और इस पार्सिटी का आंसर क्या है 14। देखिए पार्सिटी आपने करेक्ट बनाया है, पार्सिटी कंप्यूटर ने जो एल्गोरिथम है पार्सिटी कंस्ट्रक्ट करने का करेक्ट एल्गोरिथम है, बट एक जगह इसी एक्सप्रेशन को पार्सिटी आंसर एवेल्युएट करके 20 दे रहा है और दूसरी जगह इसका आंसर क्या आ रहा है 14, और राइट आंसर इसमें क्या है 14। बट इमेजिन करिएगा कि इसी एक्सप्रेशन को कंप्यूटर कभी एवेल्युएट करता है, कभी 14 दे देता है और कभी 20 दे देता है, तो इट इज़ इनकंसिस्टेंटी, इस ब्लंडर, कहीं इसका आंसर 14 निकालता है, कहीं 20 निकालता है, इट इज़ ए प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुआ, इस प्रॉब्लम की क्या वजह है, किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है? ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि एक से ज़्यादा पार्सिटी बन रहे हैं। एक से ज़्यादा पार्सिटी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस होना अच्छी बात नहीं है, ग्रामर कैसा होना चाहिए, अनएम्बिगुअस। अगर हम इस ग्रामर को अनएम्बिगुअस बना दें तो एक से ज़्यादा पार्सिटी नहीं बनेंगे, ये पार्सिटी रॉन्ग पार्सिटी है। अगर ग्रामर आपका अनएम्बिगुअस होगा तो एक ही पार्सिटी कंस्ट्रक्ट होगा ऑलवेज और उसका एक ही आंसर होगा। तो एम्बिगुअस ग्रामर किसको बोलते हैं, अगर किसी लैंग्वेज में इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अगर एक भी सेंटेंस है उसके लिए मल्टीपल पार्सिटी जनरेट हो रहा है, मोर देन वन पार्सिटी जनरेट हो रहे हैं, तो वो ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस। और अगर सिंगल पार्सिटी कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो ग्रामर कैसा है, अनएम्बिगुअस। तो चलिए ये एम्बिगुअस ग्रामर है, व्हाट इज अनएम्बिगुअस ग्रामर, अनएम्बिगुअस की डेफिनेशन इसी में देखिएगा, अनएम्बिगुअस एम्बिगुअस का कॉम्प्लीमेंट है। सो अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होगा, इस स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, इस स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट का कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल सच दैट W हैज ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू। बट माई डियर लेस देन वन पार्सिटी और लेस देन वन सिंटेक्स डेरिवेशन टी LMD RMD नहीं होता, LMD ये तो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, 0.5 फ्रैक्शन में LMD नहीं होगा।
तो ये लेस देन यूजलेस है. सो क्या बचा, ए इक्वल्स टू दिस. सो जी जी इज अनएम्बिगुअस. कोई ग्रामर अनएम्बिगुअस कब होगा, जी इज अनएम्बिगुअस ग्रामर इफ फॉर एवरी डब्ल्यू, फॉर एवरी डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल जी सच दैट डब्ल्यू हैज एग्जैक्टली वन पार्स ट्री, वन सिंटेक्स ट्री, वन डेरिवेशन ट्री, वन एलएमडी और वन आरएमडी. तो इस तरह का ग्रामर कैसा होगा, अनएम्बिगुअस. और अनएम्बिगुअस में एक ही पार्स ट्री जनरेट होगा. तो पार्सिंग के लिए ग्रामर कैसा होना चाहिए, अनएम्बिगुअस. कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. देखिएगा आपको बताना है क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर है. सो इट इज ए ग्रामर एंड इस ग्रामर के करस्पोंडिंग लैंग्वेज, इस ग्रामर के करस्पोंडिंग जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में क्या सेंटेंस होंगे. स्मॉलेस्ट सेंटेंस इज एम टी एंड ए एंड यहाँ पे ए ए ट्रिपल ए डॉट डॉट डॉट, इसके करस्पोंडिंग ये लैंग्वेज. अब एम्बिगुअस क्या कहता है, एम्बिगुअस ये कहता है कि अगर एक भी स्ट्रिंग ऐसी है जिसके लिए मोर देन वन पास्ट ट्री हो तो ग्रामर क्या होगा, एम्बिगुअस होगा. और अनएम्बिगुअस क्या कहता है कि फॉर एवरी स्ट्रिंग के लिए, हर एक स्ट्रिंग के लिए एक ही पास्ट ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो ग्रामर कैसा होगा, अनएम्बिगुअस. तो चलिए माय डियर ए को ले लेते हैं. डब्ल्यू सेंटेंस ए आपने लिया तो ए के लिए देखिए क्या एक से ज्यादा पास्ट ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बाय यूजिंग टू एलएमडी और टू आरएमडी. तो एस से मैंने ए तो डायरेक्टली आपको मिल गया, एक एलएमडी ये है, और एस को लिया ए एस और एस को एमटी किया एंड इट इज आल्सो ए. सो देयर आर टू पास्ट ट्री, हेंस द ग्रामर जी इज एम्बिगुअस ग्रामर. सो ये ग्रामर क्या है, इट इज एम्बिगुअस ग्रामर. इस ग्रामर को देखिएगा क्या ये एम्बिगुअस ग्रामर है. तो इसके करस्पोंडिंग जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में जो सेंटेंस हैं एम टी स्मॉल ए डबल ए ट्रिपल ए, अब अगर किसी भी एक सेंटेंस के लिए एक से ज्यादा पास्ट ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो ग्रामर एम्बिगुअस होगा, अदरवाइज अनएम्बिगुअस. क्या ऐसा कोई सेंटेंस है, लेट डब्ल्यू इक्वल्स टू, आपने ए को टेस्ट किया तो एस के लिए इट इज ए और एस का ए एस और एस को एम टी. सो इट इज ए. ए प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका है, ओनली सिंगल पास्ट ट्री. आप डबल ए भी ले लेंगे तो उसके लिए भी एक सिंगल पास्ट ट्री बनेगा. ऐसा कोई भी स्ट्रिंग इसमें नहीं है जिसमें कुछ स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पास्ट ट्री हो, तो ये ग्रामर क्या है, अनएम्बिगुअस ग्रामर. सो इट इज अनएम्बिगुअस ग्रामर. इट इज अनएम्बिगुअस ग्रामर. माय डियर एम्बिगुटी फाइंड करना, इट इज डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. Why it is undecidable? Because finite time के अंदर आप इसका आंसर नहीं दे सकते कि it is ambiguous or unambiguous. Imagine करिएगा कि आपने first string को check किया, first string को आपने check किया, इसके लिए एक से ज़्यादा पास्ट ट्री construct नहीं हो रहे, second के लिए भी single पास्ट ट्री construct हो रहा है, third के लिए भी single पास्ट ट्री construct हो रहा है, fourth के लिए single पास्ट ट्री construct हो रहा है, dot 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 up to इन्फिनिटी से पहले वाले उसके लिए भी सिंगल पास्टी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बट जो सेंटेंस इन्फिनिटी पे है उसके लिए एक से ज़्यादा पास्टी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं. तो ये ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस. बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इन्फिनिटी तक आप उसे चेक नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई इट इज़ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. ऐसा कोई भी एल्गोरिथम नहीं लिखा जा सकता जिसमें आप किसी भी ग्रामर को एज ए इनपुट पास करें और वो एल्गोरिथम ये बता दे कि इट इज़ एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस. So that's why it is undecidable. Ambiguity find karna is a undecidable problem. Regular grammar aapka ambiguous bhi ho sakta hai aur unambiguous. Ambiguous for NFA ke corresponding aur unambiguous for DFA ke corresponding. और हम जानते हैं कि एवरी एनएफए के करस्पॉन्डिंग आप डीएफए कन्वर्ट कर सकते हैं. रेगुलर ग्रामर इज एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस, बट रेगुलर लैंग्वेज
ऑलवेज अनएम्बिगुअस। तो माय डियर, रेगुलर ग्रामर एम्बिगुअस हो सकता है और अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस फॉर एनएफए के करस्पॉन्डिंग और अनएम्बिगुअस फॉर डीएफए के करस्पॉन्डिंग, और एवरी एनएफए के करस्पॉन्डिंग आपका एक डीएफए बनता है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनएफए को डीएफए में, और डीएफए के करस्पॉन्डिंग क्या है, अनएम्बिगुअस, दैट्स वाई रेगुलर लैंग्वेज ऑलवेज अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। सिमिलरली डीसीएफएल ऑलवेज अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। एम्बिगुटी स्टार्ट फ्रॉम सीएफएल, एम्बिगुटी स्टार्ट फ्रॉम सीएफएल कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो ऑल रेगुलर लैंग्वेज आर डीसीएफएल लैंग्वेज एंड ऑल डीसीएफएल आर अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी कि सारी रेगुलर लैंग्वेज क्या है, अनएम्बिगुअस, और सारी की सारी डीसीएफएल क्या है, अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।